सो ऑलराइट गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के V3 डिवाइस के अंदर आप एक न्यू सिस्टम अपडेट कैसे कर सकते हो। जी हां गाइस, आप कर सकते हो अपने फोन के अंदर एक न्यू सिस्टम अपडेट कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, और गाइस आपको अपडेट करने का पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कैसे आपको अपडेट करना है। तो चलो हम किसी एक ब्राउजर को ओपन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वीवो का ब्राउजर है, इसको हम जस्ट क्लिक करेंगे। देन गाइज यहाँ से हमारे पास होम बटन का आइकन मिलेगा, इसको हम प्रेस करेंगे। देन यहाँ पर वीवो का ये जो एप्लीकेशन है इसको हम जस्ट क्लिक करेंगे। देन गाइज यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आपको कुछ इसके एसेसरीज मिल रहे हैं, देन गाइज स्मार्टफोन्स मिल रहे हैं, और यहाँ 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे, देन सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद हमारे पास 4th ऑप्शन मिलेगा सिस्टम अपडेट का, इसको हमें क्लिक करना है। इसके बाद हम इस पेज पर आ जाएंगे, प्लीज़ सेलेक्ट द प्रोडक्ट मॉडल। तो इस एरो पे हम क्लिक करेंगे और अपना हम वीवो का V3 डिवाइस सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा V3 है तो वी सीरीज को हम सेलेक्ट करके यहाँ से V3 को हम सेलेक्ट करेंगे। देन इसके बाद हम ओके कर देंगे। तो हमने इसको ओके करा, हमारे पास मॉडल नंबर आ चुका है और यहाँ पर रिलीजिंग डेट आ रही है, करंट वर्जन क्या है, और यहाँ पर साइज़ कितनी है, डाउनलोड कितने लोगों ने करा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही है। सो इसे अपडेट करने से पहले आपको जाना है फ़ोन सेटिंग के अंदर और आपको चेकआउट करना है आपका करंट वर्जन कौन सा है। अगर 1.17.2 हुआ तो आप इसको अपडेट ना करें। अगर इससे लोएस्ट आपके फ़ोन के अंदर है सेटिंग्स के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको मिल नहीं पाया, अगर वेबसाइट पर अपडेटेड है तो आप इसको यहाँ से अपडेट कर सकते हो। ये हालांकि अपडेट थोड़ा सा पुराना है, क्योंकि 7/1/2019 का है। अगर आपको ये अपडेट सेम है आपके डिवाइस में तो मत करो, अदरवाइज आप यहाँ से कर सकते हो अगर आपके फ़ोन के अंदर जो लेटेस्ट वर्जन है वो लो है इससे। इसके बाद आपको यहाँ फाइल साइज मिल रही है, अराउंड ये 1 GB से ज़्यादा है, और डाउनलोड्स की बात करें तो 9500 लोगों ने इसको डाउनलोड करा है। सिंपली ट्यूटोरियल पर क्लिक करेंगे, उससे पहले मैं डाउनलोडिंग का प्रोसीजर बताता हूँ। डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन आएगा, सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे, ये देखिए कम्प्लीटली डाउनलोड हो जाएगा, ये जिप फोल्डर में डाउनलोड होगा। इसके बाद कंप्लीट होने के बाद ट्यूटोरियल पे आपको क्लिक करना है। इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है, इसको समझते हैं। जो मैंने पहले बताया कि आपको चेकआउट करना अपना फ़ोन सेटिंग, इसके बाद ही यहाँ से अपडेट करना है। अगर लोएस्ट है आपके फ़ोन की सेटिंग के अंदर तब आप यहाँ से हाईएस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपके जो भी डाटा वगैरह है वो बैकअप रख लेना है, क्योंकि कभी कभी डाटा वगैरह जो है वो रिमूव हो जाते हैं अपडेट करते समय। नेक्स्ट हम बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 30% से आप होनी चाहिए आपकी बैटरी कैपेसिटी, तो आप इसको चेकआउट कर लेना। देन गाइज आपको नीचे इस इमेज से समझाते हैं कैसे है। इस तरह से PDF zip फाइल फोल्डर मिलेगा, इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। देन अब यहाँ पर एक डेमो आ रहा है, इसको क्या करेंगे, आप जब भी रिकवरी मोड में डालना है आपका फ़ोन तो आपको वैल्यूम बटन का इस्तेमाल करना है, वैल्यूम अप बटन का एंड पावर बटन का। लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपका जो फ़ोन है वो फास्ट बूट और रिकवरी मोड दो ऑप्शन के साथ ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे रिकवरी मोड। इसके बाद आपको रिकवरी मोड का ये इंटरफेस देखने को मिल जाएगा इजिली। और गाइज यहाँ पर टच आपका वर्क नहीं करेगा, तो इसलिए आपको इस तरह से पावर बटन और अप बटन का डाउनलोड करके इससे प्रेस करके इसका यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर टच वगैरह काम नहीं करते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है अपना स्टोरेज, यहाँ पर SD कार्ड या फिर फ़ोन कार्ड कोई भी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको इंस्टॉल अपडेट पर ओके कर देना है। इसके बाद आपका जो सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल होना कम्प्लीट हो जाएगा। जब भी आप इसको इंस्टॉल करें तो आप ध्यान रखें इन चीज़ों को जो मैंने आपको बताया पहले, कि आपकी बैटरी कितनी होनी चाहिए, आपने जो करंट वर्जन यूज कर रहे हो वो सही है कि नहीं, वो सारी चीज़ करने के बाद आपका कम्प्लीटली हो जाएगा इजीली, आपको अपडेट कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई दिक्कत आती है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन है, कॉमेंट कर सकते हो, या फिर इनके इतने नंबर्स भी हैं, ईमेल्स भी इन्हें कर सकते हो, तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं तो आप इनको करके भी ये सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हो। आई होप गाइज आपको समझ में आ चुका कैसे करना है। फिर भी कोई कॉन्फ्यूजन हो नीचे कमेंट सेक्शन आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो।